ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव धोने के लिए पानी नहीं है, है? चड्डियों से कपड़ों से मैं पोछती हूँ। हे गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस आज मैं गया वर्ल्डिंग में, और गैस मेरे को कौन मिला? गाइस मेरे को मिल गया नेपाली, और ये इसका नाम है अभी, इसने हाल ही में अपना नाम चेंज कर दिया। इसका नाम अभी रखा है आरसी एकता, और तेरी एकता का कपूर ना निकाल दिया तो मेरा नाम भी आकाश नहीं। तो गाइस आज मैं इसे वर्ल्डिंग में मिला, और देखो मैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करता हूँ ताकि मैं इस मोबाइल को ट्रैप कर लूँ। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं तो एक दो फिशर्स लास्ट में खेल खत्म हो जाएगा, तो मेरे को बस एक दो टर्न तक इसको रुक के रखना है, पकड़ के रखना है, ठीक है? फिर वो बदल देता है पोकेमोन और लेके आता है स्वॉम्पर्ड। तो भाई ये भी तो जाएगा, ऐसे में कोई प्रॉब्लम है नहीं कि बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन एकदम से मार देगा। तो कुछ दिन पहले नीबू ने फेसबुक में कहा था कि मैं वर्ल्डिंग जानबूझ के नहीं खेलता इससे डर के, ठीक है? नीबू कहता है कि मैं एक डाकू से डर गया हूँ, ठीक है, नेपाली डाकू से डर गया हूँ, इसीलिए मैं वर्ल्डिंग नहीं खेलता हूँ। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा भी हो सकता है कि मैं इतना कमज़ोर, अब मैं क्या करूँ इतना मैं। फिर भाई मैं उस दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, ठीक है? तो अभी 3 दिन मेरे को हॉलीडे मिले थे, जो मैं तीनों दिन सुबह शाम जो दोनों टाइम में वर्ल्डिंग खेल रहा था कि कहीं मेरे को ये मिल जाए, और ये फाइनली मेरे को कल मिल गया। और भाई अभी मैच का मज़ा आएगा, अभी गया इसका स्वॉम्पर्ड पे, इसको पूरी जिसकी जो पूरी टीम है ना इसको धीरे धीरे मारूंगा। और ये गाइस मैं चैलेंज ये करता हूँ कि एक भी मेरा पोकेमोन यहाँ पर नहीं मरेगा इससे, ठीक है? अगर ऐसे नुबड़े मेरे को मार दे तो भाई अब खेल में रहना ही क्या, इनका बस कोई काम नहीं होता गाइस, इनको बस चोरियाँ करनी होती है अकाउंट्स, और उसके बाद इनका खेल ख़त्म उतने में, ठीक है? अकाउंट चोरी कर लिया, अच्छा स्ट्रॉन्ग अकाउंट मिल गया उसको, या फिर ये तो अपना घर का बिजनेस भी चलाता है उससे, एक्चुअली बता दूँ इसका घर चलता है इस गेम से, ये लोगों के अकाउंट चोरी करता है फिर उसे फॉरेनर्स को बेच देता है जो एक्चुअली काबिल नहीं होता स्ट्रॉन्ग अकाउंट होल्ड करने के, तो इनसे खरीद लेते हैं, ठीक है? चोरी किए हुए अकाउंट उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो चोरी करने के बाद वो स्पेंड कर देते हैं तो उनके पास रिचार्ज रिसिप्ट आ जाता है। तो इस चोर का घर इस पैसे से चलता है जो ये चोरी किए हुए अकाउंट से बेच के लेता है, ठीक है? तो जब भाई मैंने इसको एक्सपोज कर दिया तब ये क्या हुआ मैं बताता हूँ। दूसरे ये और नींबू, ठीक है, कम से कम 15-20-16-17 फेसबुक अकाउंट, अजीब अकाउंट बना के फेसबुक ग्रुप में, या फिर मेरे को पर्सनली भेज रहे, ये वो भेज रहे थे भाई मेरे। तो भाई देखो मैं किसी का रिप्लाई नहीं करता ये, क्योंकि भाई बहुत सारे करीब तकरीबन बहुत सारे, अगर ईमेल पर भी जाओ तो मेरे चैनल पे कम से कम 15-16 अगर देखा जाए तो इन्हीं के फेक अकाउंट्स हैं, इन्हीं के नाम पर है, तो उनको भी मैंने ब्लॉक किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने बैन किया हुआ है चैनल से, कभी भी ये लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे चैनल पर, तो मैंने इनको बैन करके रखा है चैनल पर भी, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। एक तो भाई चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, ये इसका जब सल्गैलियो मर गया टॉन्ट की वजह से, अब इसके पास बचता कौन सा पोकेमोन? कोई नहीं। अब कौन सा पोकेमोन बचेगा मैं वो देखने के लिए तैयार हूँ। अब भाई लेके आता है टर्नटोर, तो यहाँ पर मैं ब्रिक ब्रेक मार सकता था, पर मैंने सोचा आयरन हेड ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? एक शॉट किल, ब्रिक ब्रेक भी एक शॉट किल कर देगा, पर शायद वो गेंगार ला सकता था, तो मैंने यहाँ पर आयरन हेड यूज़ किया। और नूबड़ा लेके आया स्नोरलैक्स, भाई एक तूने देख लिया ओपोनेंट के पास एक गेंगार है तो फिर भी नूबड़े एक तो स्नोरलैक्स को लेके आता है। हाँ शायद ये सोचा होगा कि गेंगार फ्रेंडशिप वगैरह हुआ नहीं तो आराम से एक दो जी मूव में या फिर कुछ मूव होगा जिसे मार देंगे, ठीक है? तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नॉक ऑफ यूज़ करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं जानता हूँ मेरा गेंगार जॉब सूट है ज़्यादा समय टिकेगा नहीं, तो मैंने नॉक ऑफ यूज़ कर लिया ताकि जो लेफ्ट ओवर है वो चला जाए। उसके बाद तो भाई खेल ही ख़त्म कर देगा, स्वॉम्पर्ड ज़्यादा ज़रूरत होगी नहीं, पर ये स्नोलैक्स शायद इतना स्ट्रांग है नहीं, ठीक है? इसने मेरे को एक सुपर इफेक्टिव मूव मारा, फिर भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। भाई एक सूट टाइप हो के इतना घटिया अटैक तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? बस एचपी देना ही काफ़ी नहीं होता है, किसी को कॉपी करना काफ़ी नहीं होता, ठीक है? उसमें कुछ एफर्ट्स भी डालने पड़ते हैं, तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये पहले नॉर्मल सूट यूज़र था, फिर आपके भाई को देखा, आपके भाई को फॉलो किया, अब बन गया है हार्ड सूट यूज़र, और सारे मूव्स पोकेमॉन सारे मेरे जैसे डाल दिए हैं, स्वॉम्पर्ड वगैरह हर चीज़, और फिर बोलता है नहीं मैंने को कॉपी नहीं किया। ठीक है भाई कॉपी नहीं किया, तूने अपना खुद का आइडिया लगा लिया है। अब स्वॉम्पर्ड पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिखते हैं कौन कौन कॉपी करता है आजकल, मेरे को पूरा भरोसा है यार इन लोग पे, पूरा मेरे को मतलब पेपर में लिख के दे सकता हूँ, ये रिक्रिएट वालों पर पूरा भरोसा है। तो भाई चीज़ क्या है मैं टोटल बता देता हूँ, इसका जो स्नोरलैक्स है वो भी मर गया, अब कुछ बचता नहीं है, ठीक है? बेचारा लूट गया, बर्बाद हो गया, अब इसके पास कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमोन नहीं है, ऐसे भी तो एक भी कोई स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था नहीं, बस मोबाइल का अटैक मेरे को +3 करना था, फिर सबको उड़ा देता ब्रिक ब्रेक से मैं, पर मैं इसके खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग पोकेमोन यूज़ करना नहीं चाहता, क्योंकि भाई ये मेरे मोबाइल की बेइज्जती होगी अगर मैं इतने घटिया लोगों से उसके बैटल करवाऊँ। तो ये काम मैंने गेंगार को ही छोड़ दिया कि भाई गेंगार ही काफ़ी कर ले, गेंगार स्वॉम्पर्ड पर, ठीक है? तो अब ये पानी ना मिलने वाला स्नोलैक्स गया,
अब ये कौन सा पोकेमोन लेके आएगा, अब तो वही बच्चा भी नहीं, क्या लेके आएगा? हार्डली एक गेंगर, एक आयरन, खेल खत्म। और मोबाइल वो भी इतना कमज़ोर है, ठीक है, मेरे को देख के पता चल गया, जिस मोबाइल पे तुमने HP बूस्ट दिया होता है, ठीक है, और उसका अटैक मैंने आपको दिखा देता हूँ, अटैक कितना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ स्वॉम्पर्ड, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इंफेस्टेशन यूज़ करता हूँ, मैं नहीं चाहता ये मोबाइल बच के भाग जाए, ठीक है। और ये नूबड़ा मेरे को, इसको अभी अटैक करना चाहिए था, अगर दिमाग होता किसी के पास तो अभी अटैक करना चाहिए था, पर नूबड़ा नूबड़ा निकला। यहाँ पर भी स्वॉर्ड डांस, भाई कब बड़ा होगा एक्चुअली? हाँ 13 साल का है तो बड़ा तो होने में अभी भी तेरे को बहुत ज़्यादा समय है। तो हम लोग यहाँ पर बिजी रहते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ सलगैलियो, उसका जी मूव वेस्ट करेंगे, तो उसमें अलग अलग मज़ा आता है, ठीक है। किसी का अगर जी मूव वेस्ट कर दोगे तो इतना ज़्यादा गुस्सा होता है ना, वो उनका चेहरा देखने लायक होता है। होप गेम कुछ ऐसे फीचर्स ऐड करे जिसमें उनको देख पाए हम लोग। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पर इसका जी मूव जो है वेस्ट हो गया, और ये डैम डैम स्पैम कर रहा है, भाई यहाँ मैं नहीं हार रहा, तू हार रहा है, तो डैम मेरे को स्पैम करना चाहिए यहाँ पर। कोई नहीं, अभी तेरा सब खत्म। यहाँ पर मैंने जी मूव मारा कि भाई जल्दी जल्दी निपटा देते हैं बच्चे को, जल्दी से जाए घर और जाके खाना पीना दूध पीत पी के सो जाए। तो मैं यहाँ अर्थ को एक पर जाता हूँ, ठीक है। सो सॉरी, मैंने यहाँ पर मॉर्निंग सन यूज़ किया था, मैं भूल गया, तो मॉर्निंग सन यूज़ करता हूँ और ये भाग जाता है। तो ये गाना आपको शायद पबजी में याद आता है, तो भाग मादर, वो अब मैं बोलूँगा नहीं, मैं बस उतने में रुक जाता हूँ क्योंकि ये कंटेंट के अगेंस्ट होगा, तो मैं ये गाली वगैरह कुछ नहीं दूंगा यहाँ पर। तभी तो बात कर लेते हैं इवेंट की, तो इवेंट बहुत ही सीरियस है, मैं आपको बता देता हूँ। ये 17 तारीख तक जो एक्सचेंज ऑफर्स हैं वो सारे रहेंगे, मतलब 17 तारीख तक आप जो पोकीमॉन्स हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हो, सारे एक्सचेंज जो ऑप्शन है वो अवेलेबल रहेंगे। पर हाँ, बाइंग ऑप्शन सारे कट जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल जो इवेंट आइटम आप खरीद सकते हो वो सारे चले जाएंगे 17 तारीख तो, ठीक है। तो 16 तारीख के 9:30 बजे, 16 तारीख को 9:30 बजे रात के बाद सारे जो फीचर्स हैं वो हटा दिए जाएंगे, एक्सचेंज ऑफर या फिर आपको इवेंट आइटम मिलना बंद हो जाएगा। तो आप तो 16 तारीख तक, 16 तारीख के रात रात 9:30 बजे तक जितने भी कलेक्ट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि उसके बाद आपको नहीं मिलेगा और ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा। 17 तारीख को जो इवेंट है आपको उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो भाई एक चीज़ नोटिस करनी चाहिए कि कई बोले थे भाई इंटरनेशनल अगर कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो 20 तारीख को है चिल्ड्रंस डे, तो ऐसा हो सकता है कि भाई हमें 20 तारीख को इवेंट देखने को मिले चिल्ड्रंस डे वाला, तो वो भी हो सकता है गाइस, वो उसके बारे में मेरे को नहीं पता। पर हाँ, चिल्ड्रंस डे अगर देखा जाए तो मेरे को लगा ही था कि चिल्ड्रंस डे वाला इवेंट आइटम आना चाहिए, पर आया था नहीं, और देखते हैं भाई क्या आता है इस बार। इस बार मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि भाई मेरे को हिसाब से, मेरे को लगा था चिल्ड्रंस डे हमें जिस दिन दिवाली था उसी दिन मिल जाना चाहिए था, पर उस दिन मिला नहीं हम लोग को। पर देखते हैं, शायद 20 तारीख को भी होप, अगर वर्ल्ड कैलेंडर के हिसाब से है 20 तारीख को चिल्ड्रंस डे, तो शायद उस दिन हमें मिल सकता है चिल्ड्रंस डे वाला इवेंट। और चिल्ड्रंस डे वाला इवेंट शायद मेरे को याद है जितना हॉट टाइप का कुछ था, जहाँ उसके ऊपर लिखा गया था चिल्ड्रंस डे स्पेशल, वैसे कुछ। तो होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में।